हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे प्याज के पकोड़े। पकोड़े तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, एक बार इस तरह से प्याज के पकोड़े बनाकर ज़रूर खाइएगा। बहुत ही टेस्टी से ये हमारे प्याज के पकोड़े बनकर तैयार होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये देखिए, मैंने ले लिए हैं 8 से 10 प्याज। जितना आप बनाना चाहते हो उतनी आपको प्याज ले लेनी है। अब हम इसका छिलका है उसको हटा देंगे। तो ये देखिए, मैंने प्याज का छिलका है वो हटा दिया। इसी तरह से मैं सारी प्याजों से हटा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने प्याज के छिलके हटा दिए हैं और अब हम इनको लंबा लंबा कट कर लेंगे। प्याज की एक प्रॉब्लम रहती है फ्रेंड्स कि हम जब ऑनियन को कट करते हैं तो ये आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बीच में से कट करके और आपको इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। उसके बाद आप कट करोगे ना तो बिल्कुल भी आँखों में आंसू नहीं आएंगे और ना ही ये आँखों में लगेगी। इस तरह से हमको अलग अलग कर लेना है, इसको लंबा लंबा ही कट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने इनको लंबा लंबा कट कर लिया है। अब हम एक बर्तन में डाल लेंगे इसको। तो ये देखिए, अब मैं इसमें डालूंगी पानी। हम इनको वॉश करेंगे अच्छे से और थोड़ा मसल मसल कर वॉश करेंगे, क्योंकि जब हम हाथों से मसलेंगे ना तो ये एक एक हो जाएंगे, इनकी कली है वो हट जाएंगी, और ऐसे ही हमको ये चाहिए। और अच्छे से साफ भी हो जाएगा। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी है ना उसको निकाल देंगे और ऑनियन है उसको अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से हाथों से ले लेना है। तो इस तरह से मैं ये ऑनियन है, ये सारी ऑनियन निकाल लूँगी। अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो हरी मिर्च 1 भी डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला, और ये मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून अजवाइन। इसको हम हाथों के बीच में रखेंगे और इस तरह से हाथों से ही क्रश करना है हमें इसे। अजवाइन और सौंफ का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पकौड़ों में। और 1/4 टी स्पून डाल देंगे हम इसमें हींग। और 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। ये मैंने 5 से 7 ले लिया है करी लीव्स, और इनको मैं बारीक कट कर दूंगी इसमें। अगर आपके पास ड्राई करी लीव्स है तो आप उसको क्रश करके डाल सकते हो। करी लीव्स का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा जब बीच बीच में मुँह में आएगी ना, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये पकौड़ा। स्वाद अनुसार डाल देंगे हम नमक। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन। तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा ही डालना है हमें इसमें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। पानी नहीं डालना है, जो ये प्याज में ही पहले से जो थोड़ा पानी का मात्रा है ना उसी में ही ये बन जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा क्या करेगा, इसमें क्रिस्पीनेस लाएगा, क्रिस्पी बनेंगे हमारे ये पकौड़े। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हो ऑनियन भी दिख रही है इसमें, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि ज़्यादा डालोगे ना तो फिर नॉर्मली जो पकोड़े आप बनाते हो ना इसी टाइप के बनेंगे। इस तरह से हाथ में ले लेना है, थोड़ा सा गीला कर लेना है हाथ को, और इस तरह से हम इसके गोले बना लेंगे। क्योंकि कम बेसन लोगे ना तो उसमें आपकी ये ऑनियन है ना ये दिखेगी, और जब ऑनियन दिखेगी ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और देखने में भी शानदार लगेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने ये सारे पकोड़े हैं ये बना लिए हैं। अब हम
ने ऑयल रख दिया है और ये मैं मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर रेसिपी है ना फ्रेंड्स मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है और एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पकौड़े हैं इसमें डाल दिए हैं। थोड़ी देर नहीं चलाना है, जब कुछ सेकंड के बाद जब ये थोड़ा सा पक जाए उसके बाद हमको इसे चलाना है। हल्का ब्राउन होने तक हमें इनको तलना है। तो आप देख सकते हो ये हमारे पकौड़े हैं, ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितने शानदार बने हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। किसी को आप खिलाओगे ना तो वो तो सोचते ही रह जाएगा कि ये कैसे बनाए हैं पकौड़े। तो ये देखिए अब मैं इनको सर्व कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में प्याज के पकौड़े बनाइए और बारिश का आनंद लीजिए। देख सकते हो कितनी लाजवाब सी हमारी ये रेसिपी बनी है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।